हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्टी गाइड में। लगभग सभी लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में ज़रूर सुना होगा। नहीं मालूम होगा तो आपको इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। और आपने ये भी सुना होगा, अगर उस ट्रायंगल के ऊपर से कोई भी जहाज़ या एरोप्लेन गुजरता है तो वह डूब जाता है या फिर गायब हो जाता है। इस जगह को लेकर अलग अलग बातें बनाई जाती हैं। कोई कहता है यहाँ पर एलियंस का कब्जा है, कोई कहता है अटलांटिस का शहर यहीं डूबा था। हम इस वीडियो में जानेंगे क्या सही है और क्या गलत, और मिलेंगे दुनिया के एकमात्र इंसान से जो बरमूडा ट्रायंगल से वापस जिंदा लौट कर आया है। आइए इस रहस्यमय वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि आगे भी जल्दी से आप इस वीडियो देख सकें और एंड तक जुड़े रहें मेन सस्पेंस के लिए, क्योंकि एंड में ही मेन चीज़ है। बरमूडा ट्रायंगल में कई घटनाएँ घट चुकी हैं। एक बार यूएसए का बड़ा सा जहाज़ जो कि 101 साल पहले बरमूडा ट्रायंगल के अंदर गायब हुआ था, ये जहाज बहुत ही बड़ा था। इसके अंदर लगभग 11,000 किलो कोयला और 300 पैसेंजर सफ़र कर रहे थे। जो कि बरमूडा ट्रायंगल से सफ़र कर रहा था वो जहाज़ उसी वक्त वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद कई सर्च ऑपरेशन चलाया गया उसको ढूंढने के लिए, लेकिन उसका मलगा तक नहीं मिला। 1918 में जब ये शिप गायब हुआ तब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी चल रहा था और इसका आरोप जर्मनी पर लगाया गया, मगर जर्मनी ने कुछ भी जांच पड़ताल करके बताया कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। इसके बाद कई थ्योरी सामने आई जिसमें कुछ लोगों ने कहा इसका जो पलटने की वजह थी वो ओवरलोडिंग भी बताई जा रही है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ काम ही नहीं आया। आखिर बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा रहस्यमय है क्या, ये हमारी दूसरी वीडियो में आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो आइए सुनते हैं। किस्सा है सन 1945 का, जब अमेरिका के 5 पायलट अपने लड़ाकू विमान लेकर ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए गए थे। उसी दौरान ही बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर वो भी गुजरे और ये घटना गुजर गई। इनका रेडियो स्टेशन से संपर्क टूट गया था, तभी हमारी अमेरिकी फोर्स ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अमेरिकी फोर्स जो थी उन्होंने प्लेन भेजना शुरू कर दिया, लेकिन ताकि प्लेन से वापस उनको ले जाए, लेकिन 13 लोग प्लेन में सवार होकर गए, लेकिन वो प्लेन भी गायब हो गया और वो लोग भी वापस नहीं आए। वो बहुत ही परेशान हो चुके थे और आखिरकार इन जेट प्लेन्स को ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत सारे सर्च ऑपरेशन भी चलाए, मगर किसी का भी कुछ भी पता नहीं चला। आखिर होना तो ऐसा ही था। कई बार यह भी हुआ कि मलबा मिला समुद्र से, लेकिन इन 6 प्लेन्स में से किसी से भी मैच नहीं हुआ। इन फ्लाइट्स का आज तक कुछ पता नहीं चला है और ये आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य में से एक बनकर रह गया है। जी हाँ दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपनी इस रहस्य में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कई थ्योरीज बनने लग गई, कुछ ने इसे भूतिया बताया तो कुछ ने इसे एलियंस, और बहुत सी थ्योरीज सामने आई। यहाँ तक कि क्रिस्टोफर कोलम्बस ने भी बताया था जब वो वहाँ से गुजरे थे तब उनका कंपास बहुत अजीबोगरीब हरकत कर रहा था, मतलब रुक ही नहीं रहा था। फिर ये मामला कई साल तक ठंडा ही पड़ गया, लेकिन यह 1964 में फिर सुर्खियों में आया जब विंसेंट गेडीज ने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा और रिसर्च पेपर में पेश किया। उनके रिसर्च के बाद एक नई थ्योरी आई जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में इसके अलावा एक डायमेंशन और है। जी हाँ, आपने सही सुना, जिसे दूसरी दुनिया कहते हैं, जो कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर ही बसती है। वहाँ पर एलियंस, भूत या फिर सी मॉन्स्टर रह सकते हैं। सब कुछ कंफ्यूजिंग हो गया था, वही की रास्ता बच रहा था वो था वहाँ से कोई बच कर आ जाए जिंदा, और वो जो इंसान है वो बता सकता है कि वहाँ पर आखिर होता क्या है। और एक ऐसा इंसान नसीब से मिल ही गया, ये एक पायलट है जो बरमूडा ट्रायंगल से जिंदा बचकर आया था। इस बंदे का नाम है ब्रूस ग्रेनन। यही सच्ची कहानी बताएंगे आखिर वहाँ होता क्या है, क्योंकि आखिर वहाँ से जिंदा बचकर जो आए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहानी है, एंड तक सुने मेन सस्पेंस के लिए। उन्होंने बताया किस्सा है सन 1970 का, जब ये इनके पिता और इनका बिजनेस पार्टनर इनके साथ भामा से मियामी बीच के एक एरोप्लेन से जा रहे थे। जब हम बरमूडा ट्रायंगल से ऊपर से उड़े, एक बादल का झुंड आ गया जिसमें सर कल बना हुआ था, और यह जो बादल थे वो इतनी स्पीड से सामने आए कि उनके पास कोई रिएक्ट करने का टाइम नहीं था, इसलिए वो सीधा उन बादलों में घुस गए। बीच बीच में बिजलियाँ भी कड़क रही थी और ऐसा लग रहा था कि तूफान आ गया हो, और इसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन किस दिशा में उड़ना चाहिए, और प्लेन बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड से हिल भी रहा था,
वो बताते हैं मानो हम किसी और दुनिया में ही आ गए। वो यह भी बताते हैं हम घने और बादलों से घिरे हुए थे, काली गुफा नजर आई हमें, उसमें उड़ते चले गए और आगे की तरफ। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, वो बताते हैं कि आगे की तरफ ऐसी लाइंस बनना शुरू हो गई जैसे कि मानो घड़ी के कांटे हों। जी हाँ दोस्तों, और वो गल गल घूमते हुए नज़र भी आ रहे थे उनको। आखिर बहुत ही रहस्यमय था, ब्रूस को कोई आइडिया नहीं था। आगे वो बताते हैं ये पूरा इंसिडेंट 3 मिनट तक चलता रहा और फिर हमने टनल से बाहर आ गए, और जैसे ही वो टनल से बाहर आए तो हमें नीले कलर का आसमान नज़र नहीं आया जबकि सिर्फ बाहर फॉग था, यानी कि धुआं ही धुआं था। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आसमान गया तो गया। ये भी बहुत चौंका देने वाली बात है क्योंकि एंड में पता चलेगी। दोस्तों इन्होंने कुछ और बातें बताई हैं, इनमें से एक थी कि प्लेन में जितने भी दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास थे वो बहुत ही तेज़ी स्पीड से घूम रहे थे और प्लेन बिल्कुल कंट्रोल जो था उसका खो बैठा था। थोड़ी देर तक उन्हें ऐसा लगा कि दुनिया से कनेक्शन उनका टूट गया है। किसी से उनका रेडियो पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और उनका एक रेडियो स्टेशन से संपर्क बन गया और उन्होंने बोला कि हमें रास्ता बताइए जिससे हम यहाँ से बाहर निकल जाए। तो उन्होंने बताया कि रडार पर आपका प्लेन डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, तो आइए जानते हैं। जैसे ही मतलब वो वहाँ धुआं कम हुआ, प्लेन रडार पर डिटेक्ट हो गया और वो हैरत में थे कि जिस स्पीड से वो बाहर आए वो उस स्पीड में नॉर्मल प्लेन तो इतना सफ़र कर ही नहीं सकता। यानी कि अगर कोई प्लेन 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलता है तो इनका प्लेन 200 किलोमीटर ट्रेवल किया, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। एक्चुअल में तो इन्होंने 3 मिनट में 150 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल की थी। इसकी स्पीड हुई यानी कि 3000 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इस प्लेन के लिए मतलब नामुमकिन थी। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरा प्लेन था। इस तरीके के प्लेन्स के लिए इतनी स्पीड मुमकिन नहीं, और ये स्पीड दुनिया की सबसे फास्टेस्ट जो अभी आर्मी का जो प्लेन है उससे भी ज़्यादा थी, यानी कि फाइटर प्लेन से भी तेज थी। और फिर सब पार करके वो सक्सेसफुल तरीके से लैंड हो गए, लेकिन पायलट तो अभी भी हैरान था। तो उन्होंने अपना फ्यूल टैंक चेक किया तो उन्हें क्या पता चला, जितना पेट्रोल जलना चाहिए था उससे आधा ही पेट्रोल जला था, और ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला फैक्ट था। इसका जवाब इसकी कभी भी कोई साइंटिस्ट नहीं दे पाया, उनके किसी के पास भी नहीं है। आखिर हुआ क्या था? अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बयान देते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने कहा जब वहाँ पर बिजली कड़क रही थी तब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई होगी जिससे कि प्लेन की स्पीड तेज़ हो गई होगी, और कई साइंटिस्ट तो टाइम ट्रेवल की थ्योरी पर भी काम करने लगे। तो दोस्तों आपका क्या मानना है हम बताएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है बरमूडा ट्रायंगल के बारे में? और कुछ साइंटिस्ट ये भी कहने लगे हैं कि अब टाइम ट्रेवल भी शायद पॉसिबल हो चुका है। दोस्तों ये सब बातें तो जानते रहेंगे। अगर आप ऐसी रहस्यमय वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि आगे भी इस तरह की फैक्ट्स वीडियो आप जल्द से जल्द जब भी हमारे चैनल पर डालें तब आप देख सकें। धन्यवाद।